तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द इक्वेशन पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्म टू के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसीलिए मैंने इसको हॉट्स में कवर किया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से विशेषकर हमारे इस टाइप के क्वेश्चन भी बनने वाले हैं, क्योंकि सैम्पल पेपर में ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तो वहीं से मैंने इसको उठा। क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ पे देखो, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो हमारा ए हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से पी स्क्वायर, और जो एक्स का कोफिशियंट है यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये हमारा होगा बी, है ना, समझ रहे हो। और जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है सी, ये हमारा माइनस का क्यू स्क्वायर, तो सी यहाँ से हो जाएगा माइनस का क्यू स्क्वायर। तो आई होप आपको इतना पकड़ में आ गया होगा। अभी क्या करना है दोस्त, इसमें हमने निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। उसमें क्या करेंगे, देखो वैल्यू प्लेस कर देते हैं, यहाँ से हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर माइनस फोर ए, यहाँ पे हमारा है पी स्क्वायर, है ना, और इंटू सी करेंगे देखो माइनस का क्यू स्क्वायर, ये हमको मिलना है। तो अभी यहाँ से ये हो रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर से हमको पकड़ में आ रहा है प्लस फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो इतना हमको मिल रहा है। अभी इसको अगर हम ओपन करें तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखो ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर और माइनस का टू ए बी, यानी टू पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर और इधर प्लस का फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको देखो पकड़ में आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है प्लस का टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो अभी जस्ट इसमें क्या करना है, देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के फॉर्म में बन रहा है, तो इसको हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये पी की पावर फोर प्लस क्यू की पावर फोर और प्लस टू पी क्यू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के फॉर्म में ये हमको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे एक काम हमने और करना है, इसमें हम रूट डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। कहने का मतलब ये हमारी डी की वैल्यू थी, इसमें अगर हम रूट लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल आउट कर देगा, इस स्क्वायर से हम रूट को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से हमको मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे मिल गए रूट डी की वैल्यू। अभी जो हमारा रूट्स होते हैं ना एक्स, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, देखो इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से डी, है ना। तो इसको मैंने लिख दिया रूट डी और अपॉन में क्या आ जाएगा ये टू ए। तो यहाँ से देखो बी की जो वैल्यू है ना वो हमारी ये है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, समझ रहे हो। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्त इसको कैसे निपटाना है हमने। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, देखो रूट डी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ये पी स्क्वायर है ना प्लस क्यू स्क्वायर, ये अपॉन में क्या आ जाएगा इसका 2a। तो एक बार हम प्लस में वैल्यू लेके चलेंगे, एक बार माइनस में लेके चलेंगे। तो पहले प्लस में पकड़ लेते हैं, तो देखो इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, है ना। और इसमें मैं प्लस लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का पी स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर और अपॉन में हमको मिलना 2a। देखो a यहाँ से हमारा था पी स्क्वायर, तो इसमें मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ पी स्क्वायर, चलो इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं पी स्क्वायर, है ना, ये तो डिवाइड में हो गया हमारा ये टू पी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से x की एक वैल्यू हमारी पकड़ में आ रही है, ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से हमको मिलेगा टू क्यू स्क्वायर अपॉन में टू पी स्क्वायर, टू से टू कैंसिल आउट हो रहा है, ये जा रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। तो एक वैल्यू तो यहाँ से हमारी पकड़ में आ रही है ये x की, आई होप आपको मिल गई होगी। दूसरा अगर हम इसमें माइनस लेके चले तो हमारी क्या मिलेगी, देखो यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू मिलेगी अगर इसमें माइनस लेके चलेंगे, यह देगा माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे हम माइनस लेके चलेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी दोनों माइनस के हो जाएंगे,
माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, समझ रहे हो? इस माइनस से हमने अंदर मल्टीप्लाई किया था तो ये वाला प्लस होगा, सॉरी। अभी देखो डिवाइड कर देते हैं 2p स्क्वायर से, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर जा रहा है, और यहाँ से हमको मिलेगा माइनस का 2p स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे यहाँ से, और यहाँ से कैंसिल आउट होकर मिल जाएगा आपको माइनस का 1। एक x की वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगी, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो हमको x की दो वैल्यू मिलनी थी, दोनों हमको मिल चुकी हैं। तो आई होप दोस्त आपको क्वेश्चन पकड़ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में।